जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? आपकी शर्ट पे ये सिंदूर कहां से लगा? सिंदूर? दिस वे सर। पुलिस वाले की बेटी हूं, नजरें बहुत तेज है मेरी। क्या हुआ, चुप क्यों है, बोलिए ना। सही, ये सिंदूर ये क्या कर रहे हैं, बोलिए ना, निशान कहां से आया? लग गया होगा, मुझे क्या पता। अब क्या मैं घर में आकर 2 मिनट शांति से बैठ भी नहीं सकता? तुम ये सब सवाल बाद में करना, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ। आपके आते ही मुझे एहसास हो गया था कि कोई बात है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, और ये आपका उतरा हुआ चेहरा, इसके पीछे सिर्फ थकान नहीं है बल्कि वो बात है जो आपके मन में घर कर गई है। मोदक, आप अपनी मिर्ची के साथ अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। शेयर करना चाहता हूँ मिर्ची, पर मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ अभी कुछ नहीं शेयर कर पाऊंगा। सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, अभी मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी सारी बातें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब तो मैं आपकी रूममेट भी हूँ ना, तो आप कभी भी मुझे आधी रात को उठाकर अपनी बात शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर, क्या आप हॉट बबल बाथ लेना पसंद करेंगे? क्या? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके बाथरूम में ना एक बाथ टब है जिसे देखकर लगता है कि आपने उसे कभी यूज नहीं किया होगा, और आप स्पा लेने से रहे तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही आपको एकदम होटल वाला ट्रीटमेंट दे दूं, ताकि आप एकदम फ्रेश हो जाए। होटल में हर कोई एंजॉय करने या छुट्टियां मनाने नहीं चाहता। सही, और तुम ये होटल वगैरह की बातें, इस सब की बातें मेरे साथ क्यों कर रही हो अभी? अरे, आप इतने लंबे सफर से आए हैं ना, थक गए होंगे, इसीलिए एक बढ़िया से हॉट बात से ना आपकी थकान सारी उड़न छू हो जाएगी और आपका मुरझाया हुआ चेहरा एकदम खिलखिला उठेगा। काश, लेकिन इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। क्या हुआ विराट सर, कुछ बहुत बुरा हुआ है क्या? नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एंड आई एम सॉरी, मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ, थक गया हूँ ना थोड़ा सा। सुन जा रहा हूँ मैं, ठीक है? पता है, जब आप यहाँ नहीं थे ना, तो आई और सम्राट दादा ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया। पता है, मैं आपके जाने से बहुत परेशान हो गई थी। और पता है मोदक, बहुत थके हुए होंगे, से सो रहा हूँ और तुम ऐसे ही बैठी हो कब से? हाँ तो आप कितने भारी हैं, मैं आपको उठा ही नहीं पाई, बहुत कोशिश की। I'm sorry, सही, मेरी वजह से ऐसे बिना बैक रेस्ट के। सॉरी। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपको नींद कैसी आई?
अच्छी। लेकिन आप तो अभी भी परेशान लग रहे हैं, बताइए ना क्या बात है? से तुम बार बार क्यों एक ही सवाल कर रही हो मुझसे? अब सॉरी, मुझे ऐसे सोना नहीं चाहिए था, सॉरी। नहीं नहीं, मैंने कहा ना आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप एक काम करिए, आप थोड़ी देर और सो जाइए। मैंने आपका कितना इंतजार किया मोदा, सोचा था जैसे ही आप आएंगे मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे एक पत्नी की तरह प्यार करते हैं या नहीं। आपके मन की बात जानने के लिए मैं बेचैन हो रही हूँ, लेकिन न जाने आप अपने साथ ऐसी कौन सी परेशानी ले आए हैं जो मुझसे भी शेयर नहीं कर रहे हैं। लगता है अपने सवालों का जवाब पाने के लिए मुझे और इंतज़ार करना होगा। We are really sorry, ma'am. हम और वेट नहीं कर सकते। जब से आपके हस्बैंड गए हैं तब से उनसे हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आपको कोई आईडी देनी होगी। आप बस थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम, लेकिन हमें भी रूल फॉलो करने होते हैं। बिना आईडी के हम किसी को भी होटल रूम नहीं दे सकते। मैं उन्हें कॉल करके बोलती हूँ, वो आपको कॉल कर लेंगे। ओके मैम, एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। अब मैं क्या करूँ? की वाइफ का नाम मिस्टर एंड मिसेस चमन। आप रो रहे हैं मोदक? नहीं, वो तुमने लाइट अचानक से ऑन कर दी ना, इसलिए। अरे सॉरी, बंद कर दी। नहीं, रहने दो। अब खाना खाने नीचे जाएंगे या मैं ऊपर ले आऊं? नहीं, तुम जाओ ना, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। मेरा तो उपवास है। तुमने उपवास क्यों रखा है? वहाँ आई ने बताया तो था तुमने नवस मांगी थी। तुम्हें मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? सही, इसमें तकलीफ कैसी, उल्टा बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, मेरे लिए तो अच्छी बात है ना। और आपकी सलामती के लिए मैंने नवस मांगी थी, अब आप सही सलामत घर वापस आ गए तो मैं उपवास तो करूंगी ना। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। सही, मुझे भूख नहीं है, प्लीज रहने दो। आप अपने लिए नहीं तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए खा लीजिए प्लीज। और आपको पता है पेट खाली होता है ना तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी लगने लगती है। आप नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाइए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। और मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस कुछ भी नहीं सुनना, नहीं सुनना। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मोदक को बेटर फील हो। आज पहली बार सही जोशी को कोई काम इतना मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो तो लगेगा ही ना। सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा जब प्रॉब्लम ही नहीं पता? तुम्हें कुछ नहीं पता सही, तुम अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही हो मुझे चीयर करने की, मेरा मूड ठीक करने की, लेकिन तुम जानती ही नहीं इस वक्त मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। तुमसे ज्यादा मेरे करीब और कोई नहीं है सही। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कभी कुछ छुपाऊंगा, और मैं छुपाना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हारे सामने एक आईने की तरह साफ रहना चाहता हूँ, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम तुम्हें नहीं बता सकता। उम्मीद है ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। होटल वाले मुझे बार बार कॉल किए जा रहे हैं, मुझे विराट को इन्फॉर्म करना होगा।
मोदक मोदक आपका फोन बज रहा है बार बार। क्या आवाज नहीं आ रही है सही? अरे वो आप जल्दी बाहर आइए, खाना ठंडा हो रहा है। श्रुति कौन है जो बार बार मोदक को इतना कॉल कर रही है? किसी श्रुति का फोन आया था, चार मिस्ड कॉल है उनकी। मुझे एक जरूरी कॉल करना है, मैं 10 मिनट में आया, ठीक है? अरे लेकिन ये मोदक सब ठीक तो है ना, और ये श्रुति कौन है? मैंने खुद को इस सवाल के लिए अभी तक तैयार नहीं किया, अब मैं क्या बताऊं सही को कि श्रुति कौन है? बोलिए ना, श्रुति कौन है और वो इतनी देर रात आपको फोन क्यों कर रही है? सही, मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि एक कॉल बहुत जरूरी है और मुझे कॉल बैक करना है। आपका मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? अरे रुकिए, आपके लिए कॉल करना जरूरी है और आप थके हुए हैं, आप यहीं रुकिए, कॉल कर लीजिए। मैं वैसे भी किचन में जा रही थी आपका खाना गर्म करने। क्या करूं, विराट तो फोन ही नहीं उठा रहा है। अगर मैनेजर फिर से आईडी मांगने आ गया तो? हेलो विराट। क्या बात है, तुम्हारे इतने सारे मिस कॉल्स देखे मैंने, वो भी इस टाइम पर, क्या हुआ? विराट, मैनेजर आया था मेरी आईडी मांगने के लिए। उसने तुम्हारा नंबर डायल किया पर तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा है, तो अब वो बार बार मुझे मेरे होटल रूम में फोन कर रहा है। मुझे लगता है उसे शक हो गया, वो दोबारा आता होगा मेरी आईडी मांगने के लिए। लगता है मैनेजर ही है। अब क्या बोलूं मैं इसको? पहले तो तुम शांत हो जाओ, दरवाजा खोलो और मेरी मैनेजर से बात कराओ। ओके। मैम बहुत देर हो चुकी है, आपको कोई अपनी आईडी देनी होगी। मेरे हस्बैंड फोन पे, आप उनसे बात कर लीजिए। हेलो हेलो, देखिए मैं यहाँ फंस गया हूँ और आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा, आप कल सुबह तक वेट कर लीजिए, अपनी वाइफ की आईडी मैं आपको कल सुबह दिखा दूंगा। आई एम सॉरी सर, लेकिन बिना किसी आईडी के हम किसी को भी अपने होटल में पूरी रात रहने नहीं दे सकते, आपको अभी के अभी इनकी आईडी सबमिट करनी होगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी छोटी सी बात का तमाशा क्यों बना रहे हैं। हमारा पूरा सामान आपके वहाँ है, मेरी वाइफ आपके होटल में, कल आ रहा हूँ ना मैं सुबह आपको आईडी देने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसे बार बार किसी प्रेग्नेंट लेडी को परेशान करना आपको अच्छा लगता है क्या? डोंट माइंड सर, लेकिन आपको अगर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ की इतनी चिंता है तो आप उनको यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चले गए? एक्सक्यूज मी, आप ऐसे पर्सनल कॉमेंट्स नहीं कर सकते, आप होते कौन है ऐसे मुझ पर सवाल उठाने वाले? अगर आज रात मैं इनकी आईडी नहीं लेकर आया तो क्या कर लोगे? अगर आप आईडी नहीं देंगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे मैं, और आपकी वाइफ को यहाँ से जाना होगा। धमकी दे रहे हो? सर मैं बस रूल्स फॉलो कर रहा हूँ। आपको रूल्स फॉलो करने ना, आईडी चाहिए ना आपको, मैं आपको लाकर दे रहा हूँ अभी के अभी। ओके, मैडम को फोन दो। ठीक है मैम, लीजिए। थैंक यू। चला गया। क्या कहा तुमने इससे? यही कि मैं तुम्हारी आईडी दे दूंगा। लेकिन तुम मेरी आईडी लाओगे कहाँ से?
तुम उसकी फिक्र मत करो। तुमने तो कहा था मैं और मेरा बच्चा सेफ रहेंगे, तो ये बार बार स्टाफ वाले आके परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या होगा अगर इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया तो? क्या होगा मेरे बच्चे की सेफ्टी का, कहाँ जाऊंगी मैं? तुम चिंता मत करो श्रुति, मैं अभी आ रहा हूँ, चलो। एक जरूरी काम है, अभी के अभी जाना है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आपको रात को ही करना है? कल सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता? है कुछ। आप श्रुति से मिलने जा रहे हैं क्या? कौन है श्रुति? मेरी जानने वाली है। जानने वाली है? ये कौन सी जानने वाली है जिसे मैं नहीं जानती? और मैंने तो पहले इसका नाम कभी नहीं सुना। और आपके पास उनका ऐसा कौन सा सामान है जो आधी रात को आपको? है एक इम्पोर्टेंट चीज है उसकी जो मेरे पास रह गई है, मुझे उसे वापस करना है। ओके? वो आपके साथ मिशन पे थी क्या? और आपका मिशन अभी तक खत्म नहीं हुआ? लेकिन मैंने तो आपके ऑफिस में जब कॉल करके पूछा था ना, तो उन्होंने कहा था कि आपका मिशन खत्म हो गया है। और मैंने इस श्रुति का नाम कभी पहले नहीं सुना। आपकी कॉलीग है क्या? बस सही, बस क्या हो रहा है, इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ क्या? मेरा इंटेरोगेशन चल रहा है? कब से देख रहा हूँ सवाल पूछे जा रही हूँ तुम मुझसे? सिर्फ इसलिए कि हमारी शादी हुई, क्या तुम मेरी हर चीज में दखल दोगी? मुदर हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, और बेस्ट फ्रेंड्स तो सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? सही क्यों? थोड़ा तो समझा करो कि मैं किस मेंटल स्टेट में हूँ। बस अपने सवालों की दुकान खोलकर बैठ गई हो तुम। में अभी इतनी समझ नहीं कि तुम्हें मेरी ये बातें समझ आए, इसलिए प्लीज तुम थोड़ा जस्ट यू नो। अब वापस कब लौटेंगे? मुझे दरवाजा खोलना है, सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। विराट, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो, और वो भी अकेले? तुम्हारी मिर्ची कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि तुम जवाब दोगे। खैर, मैं अपना सवाल ही वापस ले लेती हूँ। ये जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मिर्ची दे सकती है। कोई नहीं, उसे तो जरूर पता होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों करना होता है? You know what? Don't answer that. It's okay. छोड़ दो। और सही को भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि it's confidential. To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.